नमस्कार दोस्तों, एल्गो क्रैब के ट्रेडिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका ट्रेडिंग बड़ी परवीन राणा, और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग का नाम तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो चलो हम आपको बता देते हैं। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग यानी कि ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, जो कि US मार्केट में बहुत टाइम से चल रही है, लेकिन आजकल इंडिया मार्केट में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है क्योंकि ट्रेडर्स इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब हम मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं तो हमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि इमोशनल ट्रेडिंग, लॉस ड्यू टू स्लिपेज, टाइम टेकिंग प्रोसेस, सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि इमोशनल ट्रेडिंग में और स्लिपेज में होने वाले लॉस में, क्योंकि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जब हम लॉग इन करते हैं उसके बाद बाय का बटन या सेल का बटन प्रेस करते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें डालनी पड़ती है और उसके बाद हमारे को ट्रेड करना पड़ता है। उसके बाद बहुत टाइम तक सिटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक स्ट्रैटेजी आपको दिखाई देती है और उसके हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी समझ में आती है, तब तक आपको बैठे रहना पड़ता है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इमोशनल ट्रेडिंग के द्वारा किया गया लॉस। इसमें हम कोई एक ट्रेड ले लेते हैं और अगर मार्केट हमें ट्रेंड के अगेंस्ट भी जा रही होती है तो हम इमोशनल होकर उस ट्रेड में बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस कई बार हम लगाते नहीं है और कई बार लगा देते हैं तो उसे हटा देते हैं, और ऐसा करने से जो लॉस हमारा 1 से 2% होना चाहिए था वो कई बार 10, 20, 30, 50% तक चला जाता है। और कई कई बार तो ऐसा होता है कि ट्रेडर्स सिंगल ट्रेड में ही अपना पूरा का पूरा कैपिटल लॉस कर लेते हैं। अब क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है तो आप ऊपर बताए गए सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं और आपकी ट्रेडिंग और भी ज़्यादा स्मूथ, प्रॉफिटेबल और टाइम सेविंग हो सकती है। इसमें आपको चूज़ की गई स्ट्रैटेजी के पैरामीटर्स के हिसाब से आपका ट्रेड ऑटोमेट हो जाता है और आपका ट्रेड अपने आप होता ही रहता है। लेकिन एल्गो ट्रेडिंग करते टाइम भी मेजर प्रॉब्लम जो ट्रेडर्स को फेस होती है वो ये है कि कई बार जो नए ट्रेडर्स हैं उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, और अगर कोई स्ट्रैटेजी छोटी मोटी उनके पास होती भी है तो उसमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा इस चीज़ की कोई जानकारी उनको प्रॉपरली नहीं मिल पाती है। एल्गो क्रैब आपको सब समस्याओं का समाधान एक ही प्लेटफॉर्म पर देता है। हम आपको सिर्फ ट्रेडिंग बोर्ड्स ही नहीं देते बल्कि ऐसी पावरफुल स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करते हैं जो आपको ट्रेडिंग के लिए, जो स्टॉक मार्केट में आपकी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल डिसीजंस लेने में आपकी मदद करती है। हमारे प्लेटफॉर्म का गोल है कि आपकी ट्रेडिंग में सिंप्लिसिटी के साथ साथ मैक्सिमम रिटर्न देना। यहाँ पर आप एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी कॉम्प्लेक्स कोडिंग या टेक्निकल नॉलेज के। आज के वीडियो में हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे हमारी एक पावरफुल स्ट्रेटजी जो कि मार्केट की हर कंडीशन में एज देने में आपको डिजाइन की गई है, जिसका नाम है इंट्रामैक्स स्ट्रेटजी। तो आइए अब इंट्रामैक्स स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। ये एक प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी है जो मार्केट के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग कैप्चर करने के लिए डिजाइन की गई है, चाहे मार्केट बुलिश है या मार्केट बेयरिश है। इंट्रामैक्स स्ट्रेटजी का ऑब्जेक्टिव आपके कैपिटल को सेफ रखना और रेगुलर प्रॉफिट जनरेट करना होता है। इस स्ट्रेटजी में हम प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी का यूज करते हैं और किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के हाई या लो को कैप्चर कर लेते हैं, और जैसे ही हाई या लो ब्रेक होता है इमिडिएटली ट्रेड प्रेस कर देते हैं। ऐसा करने से आपको कैंडल क्लोजिंग तक वेट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कैंडल क्लोजिंग तक होते होते कई बार मार्केट के ट्रेंड में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है। कई बार मार्केट एकदम से मूवमेंट करती है और सिग्नल आने के बाद अगर हम कैंडल क्लोज बेस्ड होने वेट करते हैं तो काफ़ी सारी मूवमेंट का प्रॉफिट मिलने से रह जाता है। क्योंकि इंट्रामैक्स रियल टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी है तो ब्रेकआउट होने के बाद ये मैक्सिमम प्रॉफिट कवर कर पाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मैनुअल ट्रेडिंग से निजात पानी है तो हमारे प्लेटफॉर्म एल्गो क्रैब को तुरंत ज्वाइन कीजिए से और अपनी ट्रेड के सफर को आगे लेकर जाइए। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम करता है। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो और हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे अंदर वीडियो बनाने के लिए और ज्यादा ऊर्जा भर देते हैं। तो चलिए प्लेटफॉर्म की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा एल्गो क्रैब के प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए आपको www.algocrab.com लिख सकते हो, या फिर गूगल क्रोम पर जाकर आप एल्गो क्रैब लिख के सर्च करेंगे तो जो पहली वेबसाइट आएगी उसी पर जा सकते हैं। इस तरीके से वेबसाइट दिखती है जैसे आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही है। इसमें आपको सबसे पहले साइन अप करके अपना अकाउंट खोलना होता है। अकाउंट खोलने के लिए आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालनी होगी, जो भी आपकी ईमेल, नाम, मोबाइल नंबर वगैरह डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा, और ओटीपी आपके पास आएगा उसको डाल के पासवर्ड क्रिएट करके साइन अप कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं लॉगिन से आगे बढ़ता हूँ।
तो यहां पर मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर देता हूं। मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया। तो जब आप अकाउंट लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपको स्ट्रेटजीज दिखाई देती हैं। काफी सारी स्ट्रेटजीज यहाँ पर लिस्टेड है जो आप देख सकते हो, लिस्ट में आपको दिखाई दे रही होंगी। ये अलग अलग स्ट्रेटजीज यहाँ पर अवेलेबल है, जिस मर्जी स्ट्रेटजी के थ्रू आप कर सकते हैं ट्रेडिंग। क्योंकि आज का वीडियो हम इंट्रामैक्स के बारे में बना रहे हैं, तो इंट्रामैक्स का यहाँ पर आपको सेकेंड दिखेगा, सेकेंड कार्ड जो है। मोर इन्फो पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो इस स्ट्रेटजी कैसे काम करती है उसकी पूरी जानकारी आपको यहां से मिल जाती है। अगर आप रिटर्न में पढ़ना चाहते हैं तो यहां से पढ़ सकते हैं, बाकी तो मैं आपको जानकारी दूंगा ही। और जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो सबसे पहला काम होता है अपना ब्रोकर सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो जो भी आपका ब्रोकर है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे एंजल के सर वो आप अगर काम करते हो तो एंजल की आपको क्लाइंट आईडी, पिन और TOTP वगैरह डाल के अपडेट करना होता है। और अपडेट करने के बाद यहाँ पर ये गेट एक्सेस टोकन का बटन आता है, इसको आपको क्लिक करना होता है। जब आप इसे क्लिक करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके ब्रोकर तक जाती है, और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होती है तो ब्रोकर हमें एक टोकन प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम पूरा दिन ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर पाते हैं। ये प्रोसेस रोज करना होता है। आप 2 मिनट का टाइम लगा के सुबह 7 से 9 के बीच ये प्रोसेस कर सकते हो। मोबाइल से भी कर सकते हो, डेस्कटॉप से भी कर सकते हो, या लैपटॉप से भी, जैसे मर्जी आप करना चाहें इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका ब्रोकर यहाँ पर लिंक हो जाता है। ब्रोकर लिंकिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और हमारा प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। तो जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, 6 दिन आपको प्लेटफॉर्म कंप्लीटली फ्री यूज करने के लिए मिलता है। उसमें आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। फिलहाल इंट्रामैक्स कर रहे हैं तो हमें इंट्रामैक्स के बारे में ही जानकारी दूंगा। यहाँ पर एल्गो ट्रेडिंग का टैब आपको मिल जाता है, जिसमें कि कस्टमाइज स्ट्रेटजीज का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप कोई भी सिंबल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2-3 सिंबल यहाँ पे क्रिएटेड है, बट स्टार्टेड नहीं है क्योंकि मार्केट अभी बंद हो चुका है, तो अभी स्टॉप किया हुआ है। अगर आपको कोई और सिंबल क्रिएट करना है तो यहाँ पर आप सबसे ऊपर जाएंगे क्रिएट अ सिंबल पे। सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी सिलेक्ट करनी है जो कि है इंट्रामैक्स। इंट्रामैक्स स्ट्रेटजी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी सिंबल सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको फिन निफ्टी में ट्रेड करना है मान लो, तो आप यहाँ पर फिन निफ्टी लिखेंगे। आप देखेंगे अक्टूबर का, दिसंबर का, नवंबर का, सारे कॉन्ट्रैक्ट सारे कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आपको अब ब्रैकेट ऑर्डर करना है, रेगुलर करना है, कवर ऑर्डर करना है, जिनमें से जो भी आपको ऑर्डर करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं रेगुलर ऑर्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि स्ट्रेटजी जैसा मैंने आपको बताया इंट्राडे है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको MIS या यहाँ पर नॉर्मल सिलेक्ट करने को मिलता है। क्योंकि इंट्राडे है तो MIS ही सिलेक्ट करने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा। यहाँ पर ऑर्डर टाइप है मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर कर सकते हैं, तो मार्केट ऑर्डर इज द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद आप यहाँ पर क्वांटिटी डाल सकते हैं, जितनी भी निफ्टी की या बैंक निफ्टी की या किसी भी सिंबल की क्वांटिटी होती है, 30, 40, 50, जो भी आपको डालनी है उस हिसाब से उसके मल्टीपल में आप डालेंगे। कैंडल टाइप आपको मिलता है कि आपको नॉर्मल कैंडल पे काम करना है। अगर आप एक प्रो ट्रेडर हैं तो आपको पता ही होगा कि हाइकन ऐसी कैंडल्स क्या होती हैं, रेंगो कैंडल्स क्या होती हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप बेसिक पे ही रह सकते हैं, नॉर्मल पे आप क्लिक करके रख सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आज मार्केट बुलिश ही रहने वाली है, आज मार्केट में डाउनफॉल नहीं आएगा, ऊपर ही ऊपर जाएगा, तो आप ओनली बाय सिलेक्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा कि सिर्फ बाय के सिग्नल कैप्चर होंगे। अगर आपको लगता है मार्केट आज नीचे जाएगा तो आप ओनली सेल सिलेक्ट कर सकते हो, उससे आपके सिर्फ सेल के सिग्नल ही कैप्चर होंगे, बाय के सिग्नल्स को इग्नोर करेगा। मेट्रो को भी मैंने सिलेक्ट किया, यानी कि अगर मान लीजिए दोनों तरफ के सिग्नल आपको चाहिए तो आप मेट्रो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने मेट्रो सिलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद आपका ट्रेड जो है वो मेट्रो के हिसाब से आपको हो जाता है, यानी कि दोनों तरफ के सिग्नल्स आपके प्लेस हो जाते हैं और दोनों तरफ के सिग्नल्स पे आपके ट्रेड होता है। अब यहाँ पे SL टाइप आपको नॉर्मल मिल जाता है, रेशियो में मिल जाता है, ब्रेक इवन में मिल जाता है और ट्रेलिंग में मिल जाता है। ब्रेक इवन और ट्रेलिंग के मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं। रेशियो के बारे में मैं आपको बताता चलता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका हाई और लो कैप्चर किया और उसमें आपका 20 पॉइंट का गैप आया हाई और लो के बीच में, यानी कि मान लीजिए 100 आपका हाई है और 80 आपका लो है, तो 20 पॉइंट का गैप आ गया, तो वही रेशियो के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का हो जाएगा। अब यहाँ पर रेशियो में आप रेशियो के टारगेट 1, 2, 3, 4 जितना भी लिखेंगे उसके हिसाब से उसका मल्टीपल हो जाएगा। जैसे अगर 20 पॉइंट का गैप था उसको 2 लिख देंगे, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 40 पॉइंट का आपका टारगेट हो जाएगा। और स्टॉप लॉस में आप ये मान लीजिए 1 लिखेंगे तो 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर आप स्टॉप लॉस टारगेट नहीं चाहते तो इसको ऑफ रख सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टॉप लॉस या टारगेट जरूर रखें, क्योंकि उसके बिना ट्रेडिंग करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। उसके बाद यहाँ पर टाइम फ्रेम का ऑप्शन आता है, 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, जो भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्ट्रेटजी रियल टाइम पे काम करती है तो
टाइम फ्रेम से कोई मतलब नहीं, आप कोई भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे वो हाई या लो ब्रेक होने पे ट्रेड लेता है, तो टाइम फ्रेम से आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है यहाँ पे। स्ट्रेटजी इंट्राडे या पोजिशन, ऑब्वियसली हमारी स्ट्रेटजी इंट्राडे है तो हम इंट्राडे ही ट्रेड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर ऑफ टाइम डला हुआ है 15 बजे, यानी कि 3 बजे का, 3 बजे आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा जो भी आपको चल रहा होगा। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन ऑन ऑफ यहाँ पे बटन दिया है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है कि अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें आपका इंस्टेंट एंट्री हो जाए, आप वेट नहीं करना चाहते नया सिग्नल आने का, तो आप इंस्टेंट इसको एग्जीक्यूशन को ऑन कर देंगे, तो उसके बाद जैसे ही कोई ट्रेड बनेगा उसका अपने आप आपका ट्रेड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट टाइम एंड टाइम दिया हुआ है, इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे डिफॉल्ट ये 15 मिनट का गैप दिया हुआ है 9:15 से 9:30, तो क्या करेगा ये 9:15 से 9:30 के बीच का हाई और लो को कैप्चर करेगा, और हाई के ऊपर जाते ही इमीडिएट बाय करेगा, लो के नीचे जाते ही इमीडिएट सेल करेगा। अगर हाई के ऊपर गया और बाय हो गया और इमीडिएटली वो सेल के नीचे यानी कि लो के नीचे आ गया इमीडिएटली, तो वो बाय को क्लोज करके सेल को कर देगा अपने आप ट्रेड। ठीक है, यहाँ पर टाइम अपने आप से सेट करते हैं, कोई हमारे यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं होती है, जो आपका मन करे उस हिसाब से आप टाइम सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको कार्ड सेव कर देना होता है, तो यहाँ पर कार्ड आ जाता है, इसको आप स्टार्ट करेंगे तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये तो था फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, क्योंकि मार्जिन कम लगता है ऑप्शन बाइंग करने में, तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपके लिए यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है जिसको हम ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें आपको ऑप्शन स्ट्रेटजीज का टैब मिलता है, यहाँ आके आपको कुछ स्टेप करने होते हैं। सबसे पहले तो आपको स्ट्रेटजी सिलेक्ट करनी है जिसमें आप इंट्राडे करेंगे, उसके बाद सिंबल में आप बैंक निफ्टी, निफ्टी कोई भी सिंबल सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप डेट सिलेक्ट करते हैं जिस डेट की एक्सपायरी है आपकी, मान लीजिए 16 तारीख की एक्सपायरी है तो आप यहाँ पर 16 तारीख सिलेक्ट करेंगे, या 17 की है तो 17 तारीख सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर मंथ डालेंगे, कौन सा महीना है अक्टूबर, उसके बाद आप ईयर डालेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट सही होगा तो आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट वैलिड का मैसेज आएगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट गलत होगा, आपने डेट गलत डाली है या कुछ गलत डाला है, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड आ जाएगा। बाकी की सारी सेटिंग सेम टू सेम है। ATM, ITM, OTM का ऑप्शन मिलता है, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। अगर आउट ऑफ द मनी या इन द मनी आपको करना है तो आप सिलेक्ट करेंगे और गैप डालेंगे, जितना भी आप गैप डालेंगे उसके हिसाब से आपका ट्रेड आगे चला जाएगा। कैंडल टाइप वगैरह वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन सेम है, एज इट इज है, कोई फर्क नहीं जैसा उसमें वैसे ही यहाँ पर है। करने के बाद आप जैसे यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट को मैं फिलहाल के लिए ऑफ कर रहा हूँ, ऐसे आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑफ ना करें, और यहाँ पर सेव चेंजेस करेंगे। जैसे ही हम सेव चेंजेस करेंगे हमारे पास कार्ड क्रिएट हो जाएगा, ये देखिए आप निफ्टी का कार्ड क्रिएट हो गया, इसको हम स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट कर देंगे तो अब आपका ट्रेड जो है ऑटोमेटिकली होने लगेगा। अगर आपको यहाँ पर ट्रेड लगने के बाद देखना है तो आप यहाँ ऑप्शन ट्रेड हिस्ट्री में जा सकते हैं, तो जो भी ट्रेड आपको यहाँ पर लगी होती है उन सबकी जानकारी यहाँ पर इस तरीके से आपको मिल जाती है। ठीक है, अगर आप अपने ब्रोकर का ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक वगैरह देखना चाहते हैं तो आप ब्रोकर पैनल में जा सकते हैं। यहाँ पर आप ऑर्डर बुक पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको ऑर्डर जो भी लगे होंगे वो दिख जाएंगे। अभी कोई ऑर्डर लगा नहीं हुआ तो इसलिए यहाँ आपको दिखा नहीं रहा। ऐसे फंड्स में जब आप जाते हैं तो आपको आपका जो अवेलेबल मार्जिन वगैरह जो भी चीजें होती हैं वो सब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। होल्डिंग्स, पोजीशंस, जो भी आपका चल रहा होता है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। क्योंकि अभी मेरे पास अकाउंट लिंक नहीं है तो यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही, लेकिन जब आप यूज करेंगे तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ जो मैंने आपको समझाया वो सब आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको क्यूरी या कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, आप कॉल कर सकते हैं। ब्रोकर लिंकिंग करने में या कार्ड क्रिएट करने में या किसी भी तरीके का कोई आपका प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पर ही आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसमें कि आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट का आप देखेंगे सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज भेज सकते हैं, या फिर आप हमें डिस्क्रिप्शन के नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका इमीडिएटली हो जाएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चैनल को अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।